हमारा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी के साथ में झगड़ा नहीं करना चाहते, हम किसी के साथ में टकराव नहीं करना चाहते हैं। हमें जो मंजूरी दी गई थी, हमने बोला था 600 हमारे संगठन है, 600 टोटल किसानों के लिए मंजूरी दी जाए, लेकिन उन्होंने 200 की दी है। ठीक है, हमने 200 किसान, लेकिन हमारा 200 के साथ भी हो, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। जो मतलब जैसे कि देश में डिप्लोमेसी ख़त्म हो रही है, ये डिप्लोमेसी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसान संसद की तरफ से। जिस प्रकार मोदी जी इस पूरे आंदोलन को दमन रूपी इसमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हो नहीं पाएगा, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम हमारा हक जो है वो लेकर ही रहेंगे, हम जीत कर ही जाएंगे। आप लोग संसद का घेराव करने वाले थे, लेकिन आप लोग यहाँ पे जंतर मंतर में है, संसद से थोड़ी दूरी है आप लोगों की, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? पहले क्यों रोक दिया? देखिए, ये जो है प्रतीकात्मक स्वरूप से हमने यहाँ पे आंदोलन किया है। अगर ये जो आंदोलन है जारी रहता है 9 अगस्त तक, 13 अगस्त तक जो है संसद चलेगी, 13 अगस्त तक अपना आंदोलन चालू रहेगा जन संसद का, किसान संसद का। लेकिन ये संसद की भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो आगे हमारी जो कोर कमेटी है वो बैठकर फैसला करेगी और कुछ नए मुकाम पे हम हमारा आंदोलन लेके जाएंगे। आप लोग इलेक्शन में क्या करने वाले हैं? उत्तर प्रदेश चुनाव में किसानों की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ये पूरा गैर राजनीतिक है। कोई भी संयुक्त किसान मोर्चा जो है खुद इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। हमारा आंदोलन अब तक जो है पूरा गैर राजनीतिक है। हमारे कोई भी मोर्चे पर अब तक मंच पर कोई भी राजनेता नहीं आया है। हम अभी जो जैसे आपने देखा पश्चिम बंगाल हो या जो नो वोट टू बीजेपी, ये हम कैंपेन चलाते हैं। नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन का मकसद ये होता है कि बीजेपी ने लास्ट 7 साल में कितने किसान विरोधी, मजदूर विरोधी निर्णय लिए हैं, उस आधार पर हम जाके जन जन को हम ये बताते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना है। उत्तर प्रदेश में भी वही कैंपेन हम चलाएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश जो है यही है, नो वोट टू बीजेपी। संसद के क्या मायने समझे जाए? देखिए, चुनी हुई संसद बहरी हो गई है, इसके लिए हमने हमारी संसद खड़ी की है। ये हमारी किसान संसद है, हमारी जो राय जो है यहाँ पे रख रहे हैं, और जितना भी है हमारा आवाज़ जो है, अगर नहीं सुनते तो हमारा आंदोलन और भी आगे मुकाम बहुत सारे है। 13 तारीख तक हमारी किसान संसद चलेगी, उसके बाद में हमारे सभी आला नेता जो है वो बैठकर और फैसला करेंगे। आंदोलन को कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, सरकार को एक्सपायरी डेट है। 5 साल बाद चुनाव आते ही आते हैं, सरकार की एक्सपायरी डेट है, लेकिन आंदोलन को एक्सपायरी डेट नहीं है। आज़ादी का आंदोलन 150 साल चला था, हमको पता नहीं ये कितने साल चलेगा। जेपी जी का आंदोलन 4 साल चला था, जितना आंदोलन लंबा चलता है, हमने तो 2024 तक की तैयारी की है। सरकार चाहती है अगर हम सुख से घर पर जाए, हम भी सरकार का अभिनंदन करके जाएंगे अगर वो काले कानून वापस लेते हैं, MSP का गारंटी का कानून करते हैं। सर, कहा जा रहा 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत होने वाली, सारे संगठन शामिल रहेंगे क्या? संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो शामिल हो जाएगा, लेकिन इसमें बोलते रहिए आप। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है कि जो पश्चिम बंगाल में जैसे हमने ये किया था नो वोट टू बीजेपी, उस हिसाब से वहाँ पे भी पंचायत में फैसला किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में वोट से तो नहीं मारने ना सरकार, पश्चिम बंगाल में आप हराइए फिर भी असर नहीं पड़ा सरकार में? सरकार को आज ना असर पड़े, कल तो कम से कम 2024 में तो पड़ जाएगा, तब भी नहीं पड़ा। हम सरकार, देखिए ये जो है आंदोलन है, आंदोलन हम हमारे शांति के तरीके से लड़ रहे हैं। सरकार को आज असर पड़े ना असर पड़े, हमारे आंदोलन को एक्सपायरी डेट नहीं है, सरकार को एक्सपायरी डेट है। कम से कम कहा संगठन 600 संगठन के लोग आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 40 संगठन के लोग आए हैं। टोटल 80 संगठन के लोग आए हैं, 3 प्रतिनिधि 1 संगठन के। तो बहुत बहुत धन्यवाद ना। सरकार का टिका साहब ने पहले ही बोला कि सरकार ये कंपनियों की सरकार है, ये सरकार जनता की सरकार नहीं, ना जनता के लिए काम करती है। कंपनियों ने पैसा देके इस सरकार को खरीद लिया, अब ये सरकार कंपनियों के लिए काम कर रही है। और जितना ड्राफ्ट किसानों का बन के आया है वो सब कंपनियों से बन के आया है। मोदी जी को सिर्फ ये बता दिया गया कि आप इन कानूनों को अच्छा बताओ, तो मोदी जी अच्छा बताने में लगे हैं। मोदी जी गलती से ये कह गए थे कि किसान हमसे 1 कॉल की दूरी पे हैं, दूसरे दिन मोदी जी ने दूसरी बात करी, बोले ये कानून अच्छे हैं, कानून बढ़िया हैं, MSP है, MSP रहेगी, MSP कहीं जाने वाली नहीं। तो ये दिमाग से निकाल दो कि ये सरकार किसी पार्टी की है, ये सरकार कंपनियों की है, अडानी अंबानी की है, उद्योगपतियों की है, इसलिए सरकार टसमस से मस नहीं। मान ले जाए आपकी बात ठीक है कंपनियों की, लेकिन हर
सरकारों का संपर्क रहता कॉर्पोरेट घरानों से? रहता है, सरकारों का रहता होगा, मैं ये नहीं कह रहा। हर पार्टी को अपने वोट बैंक की भी दिक्कत, लेकिन ये किस बात पे आए थे? इनको वोट क्यों दिया था? इनको वोट इसीलिए दिया था ना, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे, इतना घोटाला हो गया, इतना वो लेके भाग गया, इतना कड़माड़ी ले लिया, इतना ये राहुल गांधी ने खा लिया, इतना सोनिया गांधी जी ने खा लिया, यही तो कहते थे। लेकिन हमने कहा चलो ये गरीब माँ का बेटा है, एक एक एक, एक गरीबी से उठ के आया है, किसानों का भला करने वाला है, तो इसे चुन दिया। लेकिन ये तो उनसे बड़ा वाला निकला, तो ये लेकिन सर जो विपक्ष में पार्टी होती है वो तो ऐसे आरोप लगाती है ना। तो विपक्ष में आप क्या नेता कहीं से सड़क से तो लाए नहीं जाएंगे, इन्हीं में से तो चुना जाएगा। गरीब माँ का बेटा चुन दिया, ये हमारी कमी थी? कोई हमने चाय वाला चुन दिया, ये हमारी कमी थी? ये देश के किसानों की कमी नहीं थी, एक्चुअली इसके चेहरे पर नकाब गलत पड़ा था। ये हम तो सोच रहे थे कि गरीब माँ का बेटा है, लेकिन ये सही में बड़े उद्योगपतियों का बड़ा दलाल निकला। हमें सबकी जमीन बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, ऑर्डिनेंस बेच दी, सारी कंपनियां देश की जितनी धरोहर है वो सब बिक गई या फिर बिकने वाली हैं। यहाँ तक कि हमारा शिक्षा संस्थान है वो भी सब लीनामी के लिए तैयार खड़े हैं, यहाँ तक कि कुछ भी बचने वाला नहीं है। अब आप आने वाले समय में देख लेना, ये अभी इन्हें 2-3 साल हैं, 3-4 साल, इसमें ये क्या क्या बेच के जाएंगे। और ये किसान अगर मजबूती से नहीं बैठा होता तो अब तक तो इन्होंने सेना और पुलिस भी बेच दी होती। सर आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में एक संतुलन बनना चाहिए? आप लोगों ने तो विपक्ष बिल्कुल खत्म कर दिया, इस इतना बड़ा बहुमत दिया सरकार। आपको लग रहा है तीनों चारों पांचों बॉर्डरों पे किसान बैठा है ये विपक्ष नहीं है? ये क्या मानते हो आप? अगर हमारे साथ जो बैठे विपक्ष, लोकतंत्र संविधान से विपक्ष नहीं मानता ना, विपक्ष उसे मानता ना जो संसद में जाएगा चुनकर। लोकतंत्र में सभी विपक्ष हैं, जो हमारी संविधान है आपको भी आवाज उठाने का अधिकार है। अगर हम सत्ता में चुने हुए विपक्षी पार्टियां अगर ठीक से आवाज नहीं उठा पा रही तो ये जनता का भी अधिकार बनता है। मैं कह रहा हूं पार्टियां आपने छोड़ी कहां है सर? किसी के 10 सांसद, किसी के 5, तो किसी के, ये हुआ ना भाई, ये गलती हमारी हुई ना। मैं तो ये पहले दिन से मान रहा हूँ कि हमें गरीब माँ का बेटा चुनना था, हमें गरीब आदमी चाय वाला चुनना था, देश किस्मत बदलने वाला था, देश की हमारी डबल आय करने वाला था, 2 करोड़ रोजगार देने वाला था, स्टार्टअप इंडिया लाने वाला था, पूरे देश को जो है ना टेक्निकल देश बनाने वाला था, सब कुछ तो हमें हवा में स्मार्ट सिटी मिल रही थी, क्या दिक्कत थी हमें? 15 लाख रुपए भी मिल रहे थे हमें, तो हम लोग फंस गए ना। ये बात तो हम पहले दिन से मान रहे हैं ना, और हम सभी किसान मान रहे हैं, फंस गए। मेरे साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ, हमारे साथ 15 लाख के धोखा हुआ, 2 करोड़ पे धोखा हुआ, 2022 तक मकान का धोखा हुआ, कर्जा माफी के नाम पे धोखा हुआ, अभी हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य लचर पचर व्यवस्था इनकी हुई है, स्वास्थ्य बिल्कुल खत्म हो गए, स्वास्थ्य सेवा जितनी थी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो इनके जो गाय और बिजार घूमते मिले स्वास्थ्य संस्थानों में, तो इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, बचा कुछ नहीं है। अगर सही टाइम से किसान अगर न बैठ जाता तो हो सकता है हमारी जमीनें और हमारे शिक्षक संस्थान जो है वो भी खत्म हो जाते। सर आप तो आज अपनी गलती मान रहे, लेकिन 2019 में मायावती ने कहा कि हमें देश को मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार देनी चाहिए। हाँ तो आप लोगों ने मजाक बनाया। मजाक हमने किसी का नहीं बनाया, उन्होंने जो कहा अपने तजर्बे के हिसाब से अच्छा करा, बहुत बढ़िया कहा, लेकिन उन्हें उनको ये समझाना भी चाहिए था कि मजबूर सरकार कैसे होगी जनता को, सीधी भाषा में। मोदी जी ने सीधी भाषा में समझाया कि हम तुम्हें 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हमारे समझ में आई, हम कोई पॉलिटिकल आदमी तो थे नहीं, पूरे सब किसानों की बात कर रहे हैं हम, तो उन्हें सीधी भाषा में समझाना चाहिए था कि इन्हें इतनी सीटें मत दो, कुछ हमें भी दो, जिससे कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं। वो क्या कहती हैं, कब कहती हैं, क्यों कहती हैं, ये जनता के समझ में कम आता है, इसलिए जनता समझ नहीं पाती है। मोदी जी ने शायद ऐसा समझाया, हमें लालच दिया और लालच में पूरी देश की जनता फंस गई। उत्तर प्रदेश में 65 सांसद दे दिए, वो हम उत्तर प्रदेश वासियों से मिस्टेक हुई, गलती हुई, ये हम सब देश जानता है और अच्छी तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी सीटें हैं, और यहाँ सबसे मजबूती से किसान अगर पहले खड़ा होता और ये हमें जानकारी होती कि हमारी जमीन है और हमारे घर, मकान, शिक्षक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, रेलवे, देश की एक एक चीज बिक जाएगी, तो शायद इतनी सीटें इनकी नहीं आती। सर जैसा आपने कहा कि हम भी एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, देश में विपक्ष भी है,
क्या कार्ड है आपके पास? आप कह रहे हैं बीजेपी गलत कर रही है, लेकिन जनता तो नहीं मान रही इस बात को, तो आज भी उनको स्वीकार कर रही है? जनता मान रही है, जनता मान रही है। जनता कहीं भी आप वो उत्तर प्रदेश में चले जाओ, अब जनता जो है ना अब तराजू में तोल रही है कि पहले की सरकार क्या थी, आज की सरकार क्या है, कांग्रेस कैसी थी, बीजेपी कैसी है, बहन जी ने क्या किया था, अखिलेश जी ने क्या किया था, उससे पहले जो लोग मतलब देश की बड़ी वाली सरकार और छोटी वाली सरकार दोनों की तुलना जनता कर रही है। और जनता मुझे लगता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेगी, क्योंकि जनता ने अब हर चीज देख ली, इनको भी देख लिया, ये पूरे के पूरे दलाल निकले, लेकिन होंगे दूसरे वाले भी, लेकिन उन्होंने जनता का ध्यान रखा, ये बात सही है। मीनाक्षी लेखी का एक बयान आया कि ये किसान नहीं मवाली है। देखो मीनाक्षी लेखी जी का जो बयान आया ये कोई नया बयान नहीं है, वो पहले से हमें आतंकवादी बता रहे हैं, पहले से हमें अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। हमारे कपड़े देख के जो देश का प्रधानमंत्री हमारे कपड़ों से हमें पहचानता है, हम पे आरोप लगाता है, क्या कपड़े से हमारा प्रधानमंत्री हमें पहचानेगा, हमारे देश के कौन से पैदाव है? तो जब मीनाक्षी लेखी उन्हीं में से तो है भाई, प्रधानमंत्री की भाषा जब ऐसी हो सकती है, पार्लियामेंट में खड़े होके और प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, बनारस में जाके प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ा कारनामा किया योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के स्मार्ट प्रदेश के बोर्ड लगे हैं, उत्तम प्रदेश के बोर्ड लगे हैं, उत्तर प्रदेश विकास प्रदेश के बोर्ड लगे हैं, और वो भी दिल्ली में लगे हैं। पता नहीं लगता कि दिल्ली उत्तर प्रदेश में शामिल हो गई है या उत्तर प्रदेश दिल्ली का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया है, इनका कोई भरोसा नहीं। ये कब क्या कर बैठे हैं, जनता के लिए काम नहीं करेंगे, देश के लिए नहीं करेंगे, बाकी उल्टे सीधे काम सारे करेंगे ये।